दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ओला पार्टनर ऐप को पहली बार कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों जब नए लोग ओला कंपनी में ज्वाइन होते हैं, ड्राइवर के पोस्ट पे अपनी गाड़ी लगाते हैं, अपना ऑटो लगाते हैं या बाइक लगाते हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि ओला पार्टनर ऐप को हम कैसे यूज करें। जैसे कि उसमें कैसे ऑर्डर आता है, उसमें कैसे ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होता है, कस्टमर से कैसे पैसा लेना होता है, कस्टमर के घर कैसे जाना होता है, तो ये सब जानकारी उन्हें नहीं होती है, ना उन्हें ओला पार्टनर ऐप को चलाना आता है। तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जिन्हें ओला पार्टनर ऐप के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ओला पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ओला पार्टनर ऐप है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। आपके फ़ोन में ओला पार्टनर हो सकता है डायरेक्ट ओपन हो, लेकिन मेरे फ़ोन में डायरेक्ट ओपन नहीं होता है। मेरे फ़ोन में पहले इस तरह का ऑप्शन आता है, अब मुझे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन में भी इस तरह का ऑप्शन आता है तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ, आप भी अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद ऑटोमेटिक आपके फ़ोन पे ओला ऐप कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जैसा कि अभी हमारे फ़ोन के स्क्रीन पे ओपन है। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि ऑफ ड्यूटी का, ऑन ड्यूटी का और गो टू का। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपके फ़ोन पर ऑर्डर कैसे आता है और आप कमाई कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे ऑफ ड्यूटी को, तो ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि अभी आप ऑफ ड्यूटी हो, अभी आप ऑन ड्यूटी नहीं हो, यानी कि अभी आप ड्यूटी पर नहीं हो। ऑन ड्यूटी होने के लिए यानी ड्यूटी पर जाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे राइट स्वाइप करना पड़ेगा और आपको ऑन ड्यूटी वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। फिर आपके फ़ोन पे कस्टमर का ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा और आप अपनी कमाई शुरू कर सकते हैं जैसे आप ऑन ड्यूटी वाले ऑप्शन पर आएंगे। और यहाँ पे गो टू का है, जैसे गो टू का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप नोएडा सेक्टर 18 में रहते हैं और आपने कस्टमर को ड्रॉप करते, पिकअप करते, ड्रॉप करते आप कृति नगर की साइड आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको अपने घर जाना है, आप शाम भी हो गई है, 6-7 बज रहे हैं शाम को, तो क्या करना पड़ेगा आप अगर कृति नगर से अपने घर जाएंगे नोएडा सेक्टर 18 तो आपको उसमें फ्यूल लगेगा। लेकिन ऐसा कर दोगे, जैसे आप गो टू वाले ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो जब भी कृति नगर से कोई नोएडा के साइड का राइड बुक करेगा तो सबसे पहले आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन जाएगा, जिसके कारण आपका फ्यूल कम लगेगा और आपकी कमाई भी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वेल आइकन का, जो यहाँ पे घंटी का आइकन बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी ओला कंपनी की तरफ से कोई मैसेज वगैरह आता है तो आपके फ़ोन पे शो होता है, आप इस पर क्लिक करके आप वो मैसेज देख सकते हैं कंपनी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आया है। खैर मैं बात कर लेता हूँ कि आपके फ़ोन पर ऑर्डर कैसे आएगा। तो ऑर्डर आने के लिए जैसा कि मैंने पहले बता रखा है आपको ऑन ड्यूटी आना होगा। चलिए अब मैं राइट स्वाइप करके ऑन ड्यूटी हो जाता हूँ। ऑन ड्यूटी होने के बाद आपका जो ऊपर पेज होगा वो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाएगा, जैसा कि अभी मेरे में है ग्रीन कलर हो गया है। ऑन ड्यूटी होने के बाद अब आपके फोन पे ऑर्डर कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप मेरे फ़ोन पे देखोगे तो यहाँ पर राइट आ चुकी है। राइट अपसेट करने का जो समय होता है वो बिल्कुल 12 सेकंड का होता है। 12 सेकंड से पहले पहले आपने राइट को अपसेट कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया, तो राइट आपकी हो जाएगी, वरना ऑटोमेटिक या दूसरे ड्राइवर को ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आपको ओला से पैसा कमाना है तो आप राइट को अपसेट करिएगा, अगर नहीं कमाना है तो आप इग्नोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप एक चीज़ और देख लीजिएगा, ऊपर जो ग्रीन का ऑप्शन है उसका मतलब है कि कस्टमर यहाँ पर है, आपको कस्टमर यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है लोकेशन, इसका मतलब है कस्टमर को उस जगह जाना है। अगर आपको ये दोनों लोकेशन ठीक लग रही है, अगर आपको लगता नहीं इन दोनों लोकेशन जाना चाहिए तो आप राइट को अपसेट कर सकते हैं। मुझे जो दो लोकेशन ठीक लग रही है अब मैं राइट को अपसेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ओला से पैसे भी कमाना है। राइट को अपसेट करते ही आपके फ़ोन के स्क्रीन पे अपसेट बुकिंग लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद ये पेज थोड़ा सा लोड होगा, लोड होने के बाद आपके फ़ोन के स्क्रीन पे इस तरह का आ जाएगा और आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लाइंट लोकेशन लिखा हुआ दिख जाएगा, मतलब जो कस्टमर है उसके लोकेशन पर जाने के लिए आपको नेविगेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जो मैप ओपन होगा बिल्कुल इसी तरह से ओपन होगा जैसा कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन है। अभी आप देखोगे तो जो आपका लोकेशन है आप इस जगह हैं और जो आपका कस्टमर है वो इस जगह है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो 200 मीटर इसमें दिखा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे 5 मिनट लगेगा। तो चलिए मैं 5 मिनट के बाद कस्टमर के पास पहुँचने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या होता है, कस्टमर से कैसे OTP पूछना होता है, कस्टमर को कैसे बैठाना होता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे ओला का आइकन दिखेगा, आप ओला वाले आइकन पे क्लिक करके आप अपने ओला वाले ऐप पे वापस जा सकते हो। तो चलिए मैं ओला वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप मैप के जरिए कस्टमर के लोकेशन पे पहुँचोगे, मेरे कहने का मतलब यह है कि कस्टमर के घर पे पहुँचोगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन पे यहाँ पे
क्लाइंट लोकेशन लिखा हुआ दिख जाएगा। अब आपको क्लाइंट लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लाइंट लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपके फ़ोन के स्क्रीन पे इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइम चलता हुआ दिख जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 5 मिनट तक का टाइम चलता है। 5 मिनट तक अगर कस्टमर आपके पास नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक राइड कैंसिल हो जाती है। लेकिन आपको कस्टमर से बात करना, आपको आसपास कस्टमर नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा हुआ दिख रहा है आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक नंबर दिखेगा और यहाँ पे फोन का आइकन भी होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके कस्टमर से फोन कॉल पे बात भी कर सकते हैं। यह जो कॉलिंग होती है इंटरनेट के जरिए लगती है, ना इसमें आपका नंबर शो होता है ना ही कस्टमर का नंबर शो होता है, इंटरनेट के जरिए कॉल लगती है। अगर आपसे कस्टमर कुछ कह रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जाने का मन नहीं है, आपको कैंसिल करना है राइड को, तो कैंसिल करने के लिए आपको कैंसिल बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप कैंसिल बुकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। खैर, मैं फिर से इसी नाम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और मैं बैक चला जाता हूँ, कस्टमर का वेट कर लेता हूँ कि कब कस्टमर आता है। अभी आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे टाइम चल रहा है। जब कस्टमर आते हैं तो आपको राइट ट्रिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। मेरे कस्टमर आ चुके हैं, मैं राइट ट्रिप वाले ऑप्शन पे राइट स्वाइप कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आप अपने कस्टमर से एक OTP पूछिए। तो जो मेरे कस्टमर हैं उनके पास 4 अंक का OTP है, मैं OTP इसमें फिल कर लेता हूँ। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई स्टार्ट ट्रिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको वो लोकेशन दिखेगी जहाँ पे कस्टमर को जाना है। तो कस्टमर को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना है, तो ये मुझे एयरपोर्ट नहीं पता, इसलिए मैं नेविगेशन वाले ऑप्शन पे फिर से एक बार क्लिक करूँगा। तो जैसे आप नेविगेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके फ़ोन की स्क्रीन पे ऑटोमेटिक एक रास्ता बन जाएगा, जैसे कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन पे ओपन हो रहा है, बिल्कुल मैप ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप कस्टमर को कस्टमर के मंजिल तक छोड़ोगे, यानी जहाँ पे कस्टमर को जाना आप मैप के जरिए ले जाकर उसे छोड़ोगे, तो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे ऑटोमेटिक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कैश राइट लिखा होगा। इसका मतलब है कि कस्टमर से पैसे लेने हैं। अगर कस्टमर से पैसे नहीं लेने होता, कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करा रहता, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखता है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इन ट्रिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इन ट्रिप वाले ऑप्शन पर राइट स्वाइप करोगे, यानी इस तरह का तीर को मूव करोगे, तो ये दिखा देगा कि आपको कितने कस्टमर से पैसे लेने हैं। तो चलिए मैं इस तरह से राइट स्वाइप करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप राइट स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा कि कस्टमर से 220 रुपये लेने हैं। कस्टमर से 220 रुपये लेने के बाद आपको कैश कलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप 220 रुपये लेने के बाद कस्टमर से कैश कलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर से आप इसी पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद आप देखोगे तो आप फिर से ऑनलाइन हो। अगर आपको ऑफलाइन आना, यानी अब आपको काम नहीं करना, आप सोच रहे हो किसी भी कस्टमर का हमारे फ़ोन पे ऑर्डर ना आए, तो आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन से बिल्कुल फिर से लेफ्ट स्वाइप कर देना है, ऑफलाइन वाले मोड पे चला जाना है। आपके फ़ोन पे अब किसी भी कस्टमर का कोई ऑर्डर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आज आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी आज की वीडियो उन लोगों को शेयर करिएगा जो ओला कंपनी में नए ज्वाइन हुए हैं या जिन्हें ओला पार्टनर ऐप चलाना नहीं आता है। थैंक यू।